नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी 7 न्यूज चैनल में। देखिए जिले की विशेष खबरें। गांधी वाटिका के समीप दिन दहाड़े 26,000 की लूट। नीमच जिले में दिन दहाड़े चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। 22 मार्च सोमवार को करीब 1:30 बजे दो नकाबपोश ने 18 वर्षीय युवक के साथ लूटपाट की। शुभम पिता किशोर तोमर रघुनंदन वस्त्रालय पर काम करता है। शुभम ने बताया कि वह वस्त्रालय से बैंक में 3 चेक व 26,000 रुपए जमा करवाने के लिए निकला था। शुभम ने सेंट्रल बैंक में चेक जमा करवा दिए। इसके बाद युवक SBI बैंक में 25,000 रुपए जमा करवाने जा रहा था। इसी बीच गांधी वाटिका के समीप अनंत बालाजी मंदिर के पीछे दो अज्ञात नकाबपोश आए और शुभम की बाइक को लात मारकर गिरा दिया। युवक गिरते ही बेसुध हो गया। बदमाशों ने युवक का पर्स, मोबाइल व नगद 25,000 रुपए लूटे और मौके से फरार हो गए। बाइक से गिरने पर युवक को हल्की चोट लगी। फिलहाल युवक का शासकीय जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार चल रहा है। वहीं नीमच जिले में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर पिछले दिनों जिला आपदा प्रबंधन की बैठक में निर्णय लिया गया था कि बाजार रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे, जिसे लेकर व्यापारी संगठनों ने विरोध जताते हुए कहा था कि छोटे व्यापारियों के लिए ये निर्णय सही नहीं है। शहर की जनता शाम को ही बाजार में आती है और खरीदारी करती है, खासकर छोटे व्यापारी जो ठेले लगाकर व्यापार करते हैं। दूसरी ओर इस बात का समर्थन करते हुए आज जिला कांग्रेस कमेटी ने गांधी वाटिका में व्यापारियों के साथ बैठक की और फिर कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर एक ज्ञापन देकर समय 10 बजे तक करने की बात कही है, जिस पर कलेक्टर ने आज से 10 बजे बाजार बंद करने का आदेश जारी किए जाने की बात भी की है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से हर खबर आप तक आसानी से पहुंच सके। शिवानी इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारी सेवाएं टीवी, डीवीडी, सीडी प्लेयर, इन्वर्टर, कूलर, पंखे, फ्रिज के सुधारक एवं विक्रेता। हमारे यहाँ सभी कार्य संतुष्ट प्रद किए जाते हैं। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। शिवानी इलेक्ट्रॉनिक्स, पता सेंट्रल बैंक के पास कुकड़ेश्वर, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। प्रोपराइटर तुलसीराम राठौर। मोबाइल नंबर 9755922506। शिवानी इलेक्ट्रॉनिक्स।